श्री राधे, मैं आचार्य कृष्ण कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज मैं जो आप लोगों के लिए अद्भुत प्रयोग लेकर के आया हूँ, इस प्रयोग से आपकी घर की तिजोरियां भर जाएंगी, खूब धन धान आपके घर में आएगा, पैसे की जो भी कमी होगी हमेशा के लिए पैसे की कमी दूर हो जाएगी। धन किसको नहीं चाहिए, सबको धन चाहिए, और बिना धन के कभी कोई काम होता भी नहीं है, कोई काम बनता भी नहीं है। धन सबको चाहिए, कहां से आए इतना धन, कैसे मिले धन, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी धन की आपको प्राप्ति नहीं होती, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज का मैं जो अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस प्रयोग से आपके पास धन आएगा भी, रुकेगा भी, टिकेगा भी, बचेगा भी, और अनवरत आता रहेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पर्स कभी खाली नहीं होगा, घर कभी आपका धन से खाली नहीं होगा। और मैंने बार बार आप लोगों से एक बात बोली है, कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, कभी भी निराश नहीं होना है। बहुत से लोग अपना धैर्य खो देते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, धैर्य नहीं खोना है। मैंने बार बार बोला है धैर्य नहीं खोना है। क्यों नहीं खोना है, क्योंकि आज यदि आपके जीवन में संघर्ष के दिन है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे आपके जीवन में, ऐसे दिन भी आएंगे जो आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, आनंद लाएंगे, जो आप चाहते हो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। देखिए ये तो पृथ्वी का चलता रहता है, आप समझे, समय का चक्र है, ऐसे ही चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कहते नहीं कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। कभी हम लोग लाखों में करोड़ों में खेलते थे, कभी लाखों में, कभी हजारों में, कभी सौ रुपए भी नहीं रहते, चलता रहता है, चक्र है व्यक्ति का, ऐसे ही संसार चलता है, तो उसमें कभी हताश नहीं होना चाहिए। आज यदि आपका समय खराब है कोई बात नहीं, कल समय इससे भी ज्यादा अच्छा आएगा, बहुत अच्छा समय अच्छा आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। और मैंने बार बार बोला है कि अपनी कुंडली आप लोग अवश्य चेक करवाइए, यदि आपके पास धन की दिक्कत आ रही है तो आपके जो कुंडली के द्वितीय भावन धनेश वो जरूर गड़बड़ होंगे। जिन व्यक्तियों के धनेश गड़बड़ होते हैं, धन के स्वामी गड़बड़ होते हैं, उनके व्यक्तियों की कुंडली में धन की बहुत ज्यादा कमी आती है, या फिर धन आता है तो व्यय बहुत हो जाता है, धनेश नीच के, धनेश अस्त है, धनेश शत्रु राशि के बैठे हैं, धनेश व्यय भाव में बैठे हैं, धनेश अष्टम भाव में है, धनेश छठे भाव में है, ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, किसी न किसी प्रकार से धनेश पीड़ित होते हैं, इसलिए आपके जीवन में धन आ नहीं पाता। और मैं यही चाहता हूं, मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आपका खूब धन आए, इसलिए अपनी आप लोग एक बार कुंडली दिखवा लीजिए कि आपके पास धन क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपका सभी अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल मुझे व्हाट्सअप करिए, बच्चे की डिटेल से मैं आपको आपके बारे में बता दूंगा। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अकाउंट में ले सकते हैं, फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा कि धनेश की स्थिति क्या है, धनेश कैसे पीड़ित है, क्या उपाय करने से आपके धनेश अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में धन आने लग जाएगा। और मैं छोटे छोटे घरेलू ही उपाय बताता हूँ जो आप आराम से घर में कर सकते हैं, और आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा, ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा। और जो मैं यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप बताता हूँ, अद्भुत है, जिन जिन को बताया उनका जीवन बन गया। यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप यदि आपने कर लिया तो समझिए आपने अपना जीवन बना लिया। जो मैं यंत्र देता हूँ और जो मैं मालाएं देता हूँ जाप करने के लिए, अपना जीवन बना लेंगे, इसलिए यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप भी आप अवश्य करें। उसके लिए आपको केवल डेली 10 मिनट देने हैं, बस इतना आपने कर लिया तो जीवन आपका आनंद से भर गया। अब देखिए आपको करना क्या है, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको लानी है शंख पुष्पी की जड़, शंख पुष्पी आपने सुना होगा, शंख पुष्पी की जड़ लानी है। जैसे आप कल अगर जड़ लेने जा रहे हैं तो उससे पहले दिन शाम को आप जल लेकर के जाइए लोटे में, और आमंत्रण देकर के आइए, लोटे से जल चढ़ाइए, धूप दीप दिखा करें, कल मैं आपकी जड़ लेकर के लेने आऊंगा, आप मेरे साथ चलना है। ये नियम होता है किसी भी जड़ को, किसी भी पौधे को अपने हम घर लाते हैं, अगले दिन जाइए उसकी जड़ निकाल करके थोड़ी सी ले आइए, उसे गंगा जल से धुल लीजिए, धूप दीप आरती दिखाइए उस जड़ में, और एक लाल कलर का कोरे कपड़े में उस जड़ को लपेट करके बांध करके अपने धन के स्थान में रख लीजिए, गले में रख लीजिए, आप जहां भी अपना धन रखते हो वहां पर रख लीजिए। आप देखेंगे कि हमेशा अनवरत धन का वो आकर्षण करेगी, धन हमेशा खिंचा चला आएगा, धन की कभी कमी नहीं होगी। शंख पुष्पी की जड़, ध्यान सुनिए, शंख पुष्पी की जड़, आपकी तिजोरियां भर जाएंगी, बिल्कुल अद्भुत उपाय है, आप लोग अवश्य करिए। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, वो सबसे पहले। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।